आठवां दिन है हमारे लगातार कार्य कर रहे हैं नदी की सफाई के लिए। आप देख रहे हैं कितनी सफाई हो चुकी है। और ये हमारे बीच अभी अमित रावत जी हैं, जिन्होंने जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अमित जी, आपको क्या लगता है, आप आठवां दिन आ गया, क्या क्या हमने काम करे और क्या क्या परिवर्तन आया और क्या क्या हम अभी कर सकते हैं? परिवर्तन तो आप लोग सभी पहले देख ही सकते हैं कि आज से आठ दिन पहले क्या सुसवा नदी के हाल थे और आज के उसमें बहुत चेंजेस हैं, काफ़ी चेंजेस हैं। जबकि आगे नीचे हमारे नीचे की साइड देखेंगे तो आप वहाँ हमें चार से पाँच स्रोत लगभग मिले हैं हमें जो साफ पानी के, उससे बहुत फ़र्क है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें, अब जैसे कि नदी में पहले चिड़िया और बर्ड्स का बिल्कुल आना जाना नहीं होता था। बिल्कुल आप देखिए जिस तरीके से वो बैठ रही हैं, पानी पी रही हैं, उस तरीके से बड़ा अच्छा है, एक मैसेज है लोगों के। और लोगों ने बढ़ चढ़कर, मैं यूटर्न फाउंडेशन और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्य में हमारा हाथ लगाया। दूसरा, आप जो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यहाँ जो लगातार सफाई कर रहे हैं और ऊपर से जो गंदगी आती जा रही है, पब्लिक के लिए एक ही मैसेज है, अपना घर साफ रखें। घर से शुरुआत करेंगे सफाई की, तब जाके हमारे नदी नाले साफ होंगे, क्योंकि ये नदी नाले वो सुसवा नदी है जो हमारी आगे जाके गंगा में जाके मिलती है। बिल्कुल सही है। लोकल रेजिडेंट है, जिस तरह से इन्होंने सुसवा नदी को साथ टाइम बिताया है बचपन से लेकर आज तक, तो उनकी यादें जो है इन्होंने भी हमें एक प्रेरणा दी है। जब इन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पहला होता था, सारे बायोडाइवर्सिटी का ये हब था, तो उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने हमें जगह के बारे में बताया है कि पहले क्या रूप था, उसी को हम आगे अपना एक सपना बना के आगे बढ़ रहे हैं। बजी भी बताइए, अब ये सपना हम किस तरह से पूरा कर पाएंगे? सपना पूरा करने के लिए तो हम सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, हर बंदे को, कि मतलब गंदगी ना करें, पानी को क्या बोलते हैं, कचरा वचरा ना डालें पानी में। और बाकी सफाई तो लगभग लगभग पूरी हो चुकी है, अब दिख रहा है आपको। जी हाँ, पहले तो आए थे यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था, पाँव डालना मुश्किल हुआ था, बदबू से यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। हाँ जी, लेकिन आज यहाँ पे पानी का पूरा फ्लो चल रहा है, एकदम साफ पानी चल रहा है, लोग नहा के गए नीचे, अभी नीचे नहा के गए। तो आपको क्या लगता है कितना समय हमें लगेगा, जिस तरह से हमने एक हफ्ते मेहनत करी है, कितना और समय लगेगा कि जिससे ये हमारा जो सपना है पूर्ण हो पाएगा? लगभग लगभग एक महीना हमें लग जाएगा। और ठीक है, मतलब अच्छी तरह से सफाई करने में। और इस एक महीने में किस चीज़ पर फोकस रखना चाहिए? मेन नदी है, पानी मेन पानी है, बाकी साइडों में तो कचरा वचरा उठाए रहे हैं, मेन पानी है, पानी गंदा ना करें लोग, पानी में कचरा ना फेंकें। जी थैंक यू सो मच, हमारी मुहिम जारी रहेगी और तब तक लगे रहना जब तक ये सफलता हासिल हो। थैंक यू। बड़ी खुशी की बात है कि शहर के सारे सिटीजन्स स्वच्छ सुस्वा अभियान में एक एक करके भागीदार बन रहे हैं। आज हमारे साथ आशीष जी हैं, जो पिछले कई सालों से देहरादून के पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक्टिविस्ट का कार्य कर रहे हैं। आज ये आए हैं यहाँ पे अपना श्रमदान करने के लिए स्वच्छ सुस्वा अभियान में। तो आशीष जी, क्या लगता है आपको, क्या कार्य कैसा चल रहा है और क्या आपके सुझाव हैं जिससे इसमें एक सुधार और कर सकते हैं? ये हेमंत जी, आपने जो बीड़ा उठाया है एक बहुत बड़ा काम था। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आपने इसकी सफाई की, आपने इसको रिवर को मरने से बचा लिया, मैं तो ये मानता हूँ, नहीं तो इसकी हालत बिल्कुल वैसी रिश्तना बिंदाल जैसी हो जाती है। तो आपने बहुत राइट टाइम पे ये इनिशिएटिव लिया है। और जैसा मैं देख रहा हूँ, आठ दिन के अंदर जो रिवर बिल्कुल काली पड़ी थी, आज ये रिवर फ्लो करने लगी है, तो इसमें पक्षी वगैरह सब आने लगे और जो नल थी चली गई है, अभी बिल्कुल क्लीन हो रहा है। लेकिन जैसा अभी देख रहे हैं, अभी भी इसमें कूड़ा आ रहा है, तो उसके लिए और हमें प्रयास करने पड़ेंगे मिलकर सबको। चाहे हमें ब्रिजेस पे, जैसा आपने ही सजेशन किया है कि नेट लगे, उसके लिए फंडिंग वगैरह करें। सेकेंडली, कुछ ट्री प्लांटेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये कैचमेंट एरिया इनका ब्रीदिंग लाइन होती है, यदि हम कैचमेंट एरिया में कुछ पेड़ वगैरह लगा दें और तो इंक्रोचमेंट भी बचेगा और रिवर की कैरिंग कैपेसिटी जो वाटर की होगी बढ़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में मुख्यमंत्री जी को भी आप लाए, उनके प्रयासों से ये काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून की जनता आपके लिए हमेशा आभारी रहेगी मेरे। ठीक है, थैंक यू। हम यहाँ पे चाहते हैं कि सुसवा नदी सबसे उत्तराखंड में सबसे स्वच्छ नदी नदियों में इसकी गिनती हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे इकोसिस्टम को बचाते हुए इस नदी का हम बचाव कर सकें, लोकल पीपल को यहाँ पे उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि सुसवा नदी का विकास हो। हम उसी पे अग्रसर हो रहे हैं। अगर सुसवा नदी जीवन हमें चाहिए, तो हमें ये चाहिए कि रिस्पना नदी, बिंदाल नदी, इन सब की सफाई हो के सुसवा नदी एक स्वच्छ नदी के रूप में उभरे। तो आपको क्या लगता है, जो आठ दिन से यहाँ पर लगातार एक अपना नया तरह का अभियान किया था, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी अभी तक ड्राइव चलती है वो एक दिन सफाई होती थी,
इसका दिन अगले दिन कूड़ा आ जाता था। तो इस तरह से क्या हो गया, लोग जो ये सफाई करना चाह रहे हैं उनकी नीयत पे ही शक होने लग गया था। लेकिन तो हमने सोचा चलो सिटी का भरोसा जीतने के लिए हम इस बार 8 दिन की ड्राइव करेंगे। तो ये 8 दिन की ड्राइव में आपको क्या लगता है, ये 1 दिन की ड्राइव 8 दिन की ड्राइव इसमें कुछ फ़र्क है या सिर्फ ये सारी एक जैसी चीज़ें चल रही है? नहीं, इसमें बहुत फ़र्क है, फ़र्क दिख रहा है, फ़र्क का पता चल रहा है कि भाई ग्राउंड में कितना काम चल रहा है, नदी की हालत में कैसे सुधार हुआ है। यहाँ पे अब आने का मन करता है नदी के किनारे, पहले यहाँ पे आने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अब जाके जब किनारों की सफाई हो चुकी है तो यहाँ पे घूमने लायक पर्यटक स्थल बन सकते हैं। तो फ्यूचर में आप इसको किस तरह रूप में देख रहे हैं? फ्यूचर में हम इसे एज ए रिवर फ्रंट के रूप में देख रहे हैं। रिवर फ्रंट की तरह? यस, सुसवा रिवर फ्रंट। और यूथ का क्या भागीदारी रहेगी अगर इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाना है? यूथ की भागीदारी ये रहेगी कि यूथ यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सफाई करने में जितना भी उनसे हो सकता है उतनी हेल्प करने की कोशिश करें। हम चाहेंगे कि यूथ अपने मर्जी से 4 या 5 घंटे यहाँ पे डेली काम करें और नदी का विकास में दिखाएं कि हाँ उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। इसका फ्लो है बिल्कुल बंद हो गया था फ्लो, लेकिन ये दोबारा से अपने नीचे पत्थर भी दिखने लग गए। जया जी, आप बताएंगे जो ये अभियान चल रहा है इसमें अभी तक हमें कितनी सफलता मिली है और आगे सफलता के लिए क्या क्या और कार्य करने पड़ेंगे? अभी तो बहुत चेंजेस हो रखे हैं, जो लास्ट आ रखे देखे वो फर्क तो बहुत हो रखा है एंड इट्स एन अमेजिंग रिजल्ट। सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू डूइंग सो सो एज टू यू नो यहाँ पर सफाई जो और चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एंड और ये जो लोकल, इट्स जस्ट नॉट दी हम लोग ही नहीं करें, एवरीबॉडी शुड बी इन्वॉल्व। जो यहाँ पर है रेसिडेंट्स एंड सिटीजन्स इनिशिएटिव होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड देन इफ इट इज़ जॉइंट एफर्ट ऑफ एवरीबॉडी देन इट बी अ सक्सेसफुल कैंपेन। तो जो आप जॉइंट एफर्ट्स के लिए बोल रहे हैं, तो जॉइंट एफर्ट्स के लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या हमें प्रयास करने पड़ेंगे जिससे सारा देहरादून, सारे सिटीजन्स, हर विभाग के लोग हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? अवेयरनेस, वाई इज दिस रिवर इम्पॉर्टेंट, पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है, साफ रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डिजीजेज आते हैं इससे। सो नॉट जस्ट डिजीजेज, इट इज प्लेस, पानी जो है इट्स अ वेरी सीक्रेट रिवर। तो मैं चाहे जैसे कि आप सब जानते कि मैं यूटन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ और 1.5-2 साल से इनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। और इस सुषमा की स्वच्छ अभियान में हम पिछले संडे से लगे हुए हैं और जब यहाँ पे आए थे तो पहले दिन ये हाल था कि भी यहाँ पे खड़े होने का भी दिल नहीं कर रहा था। जैसे कि हमारे श्री सर के वो पाँव में एकदम से एलर्जी भी हो गया, इसका इतना गंदा पानी था। और अभी 8 दिन में हमने देखा है कि भी ये बहुत ही साफ़ हो गई है। और जैसा कि सब जानते हैं कि अगर सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा भी इसमें योगदान करेंगे तो ये आने वाले टाइम में बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी। आज संडे को जब सारी टीम यहाँ पे आई, सुबह आई, तो हमें थोड़ा सा एक अनबिलेबल सा माहौल मिला। अभी तक हम सारे लोग जितने भी वॉलंटियर्स सिटीजन्स ऑफ देहरादून सारे काम में पूरी तरह से बिजी थे, तो हम देख ही नहीं पा रहे थे कि यार बदलाव क्या हो रहा है। लेकिन आज जब बाहर से वॉलंटियर्स भी आए, नए लोगों ने ज्वाइन किया, तो उन्होंने आते साथ हमें बोला ये तो नदी का पूरा रूप ही बदल चुका है। तो ये हम सारी टीम के लिए जितने लोगों ने मेहनत करी है ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन इसके पीछे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये नदी का रूप बदलने का जो हम एक छोटा सा साइन देख पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी हार्डवर्क गई है, बहुत सारी मेहनत गई है, जिसपे यहाँ के यूथ, यहाँ के NGOs, यहाँ के सारा प्रशासन, चाहे वो DM ऑफिस हो, चाहे SSP ऑफिस हो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, और सबसे ऊपर खुद हमारे चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये जब सारी यूनिट पूरी साथ में काम कर रहा है एक कोऑर्डिनेशन में, तभी जाके हम एक हफ्ते में रिज़ल्ट देख पाए। लेकिन अब बात यह है कि एक हफ्ते हमने रिज़ल्ट देख लिया, इसके एक हफ्ते बाद क्या होगा, ये क्या इससे और सुंदर होगी? तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 3 दिन पहले यहाँ पे एक बरसात हुई थी देहरादून में, अगले दिन जब सुबह हमें 7 बजे पहुँचे तो जितनी हमने सफाई करी थी और जितनी हमने अभी तक यहाँ पे गंदगी जो देखी है, जितना भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बह के आ रहा है, तो उसका वर्स्ट फॉर्म था। एक बरसात ने ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बेल्ट पूरा ये पॉलीथीन से भर दी थी। तो हमने जितना 5 दिन की मेहनत करी थी वो ज़ीरो हो गई थी। तो समाओ ये मैनेज, स्टिल मैनेज, ये सबकी यूथ को मैं फिर से थैंक यू करना चाहूँगा जो अब लेबर से डाय अप्रोच के साथ यहाँ पे काम कर रही है। तो फिर हमने फिर से काम किया, फिर से इस पे लगे और फिर से इसको दोबारा से उस रूप पे लेकर आए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम
कितनी सफाई करेंगे, करते रहेंगे जब तक हम नदी ठीक नहीं होती है, हम अपना कार्य करते रहेंगे। लेकिन जितना भी करेंगे, अगर यहाँ पे 50 लोग मिलके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं डेली, तो वहाँ से 5 लाख लोग मिलके उनके कार्य में विघन डालने का काम कर रहे हैं। विघन डालने का काम करने का मतलब है यहाँ पे सफाई हो रही है, 50 लोग 100 लोग एक दिन में सफाई कर रहे हैं, गाड़ियाँ लग रही है, लेकिन जितनी भी सफाई चल रही है पूरे दिन में, वो 5 लाख लोग ऊपर से देहरादून के अंदर जो रह रहे हैं वो मिलके अपना योगदान कर रहे हैं यहाँ पे कूड़ा फेंकने का। मेरे ख्याल से नादानी में हो रहा है ये सब कुछ, जानबूझ के तो कोई ये नदी ख़राब करना नहीं चाहेगा, लेकिन नादानी का जितना भी है भुगत रही है नदी, और नदी तो भुगत रही थी, अब जो उसको सफाई करने के लिए अपना को जिम्मा लेना चाहते हैं उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मैं एक शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पर रह रहा हूँ कि अगर नदी को सफाई करने के लिए कोई आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर पूरे शहर का सिटीज़न का अगर उसको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो थोड़े टाइम बाद उसके घुटने तोड़ जा रहे हैं। तो यही चल रहा है, हर बार लोग बोलते हैं कि कोई कार्य स्टार्ट होता है सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप देखेंगे जो उससे आगे कार्य करने की कोशिश कर रहा है उसको कितने मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो अब अभी ये टाइम नहीं रहा है कि हम पासिंग द बक वाले अप्रोच पे रहना शुरू करें, अब ये है कि अगर दूसरा क्या कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें और अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करें। जो आपको पहले ही सबको पता है, तभी मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होने लग जाए कि आप लिटरिंग की आदत छोड़ दें, पॉलीथीन को इधर उधर फेंकना ख़त्म करें, तो उसी से आपका जो इतना छोटा सा एक हैबिट है, एक छोटा सा जो है आपका एक्ट है, वो हमारी पूरी नदी को रिवाइव करने में सबसे बड़े कैटलिस्ट का काम करेगा। और इस दौरान मैं फिर से एक बार हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि देहरादून की नदियों का यह हाल हो चुका है, उसको रिवाइवल हमारा पहला सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और साथ में मैं देहरादून के सारे सिटीज़न वॉलंटियर्स, बहुत सारे नाम हैं, अमित रावत, रोहित छेत्री, विकास शर्मा, अनगिनत नाम है, तो ये सब ने मिलके जो है यहाँ पे एक प्रयास शुरू करा, और ये प्रयास अब रुकेगा नहीं, हम लगे रहेंगे जब तक हम सुस्वा नदी के रिवाइवल के लिए अपने पूरा मेहनत सब कुछ लगा नहीं देता। थैंक यू सो मच।